नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल UPSC के साथ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक चैरिटी NGO ट्रस्ट, जो कि हर साल आपको फ्री IELTS कोचिंग उन बच्चों को देती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, डिप्रेस क्लासेस से बिलोंग करते हैं। उन लोगों के लिए हर साल फॉर्म निकालती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर टेस्ट लेती है और इसमें आपका सिलेक्शन के बेसिस पर, आपको मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होती है। फिर इनको कोचिंग करवाया जाता है दिल्ली में, महंगी से महंगी कोचिंग आपको जितनी सारी, जो आपको बाजीराव हो गया, श्री राम हो गया, आपको ALS हो गया, विजन हो गया, चाणक्या हो गया, GS मेंटर हो गया, सब में आपको फ्री कोचिंग आपको दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाता है पूरे आपको 2 साल के लिए। आइए पूरी जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा कि इसमें कौन कौन से कास्ट लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, एज लिमिट क्या है, मीडियम्स क्या होंगे, हिंदी इंग्लिश एग्जाम पैटर्न कैसे होगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना होगा। मैं आपको पूरे A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा थोड़ा भी, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें कि कौन कौन से कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात है कि माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में जितने सारे जो लोग आते हैं यानी कि मुस्लिम, सारे कास्ट OBC जनरल सारे अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स और आपको आता है इसमें क्रिश्चियन अप्लाई कर सकते हैं, बुद्धिज्म हुए, जैन हो गए और आपको जोरोस्ट्रियम हो गया, ये जितनी सारी जो माइनॉरिटी में आती है सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब गर्ल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो गर्ल्स आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल के गर्ल्स जो है अप्लाई कर सकती है, बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। SC ST अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये आपको चैरिटी जो है यहाँ पे आपको सारे स्टेट के आप बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, साउथ से भी आते हैं, UP से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं और आपको ईस्ट से भी आते हैं, जितने सारे जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट है वहाँ से भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खाने का जो ये प्रोग्राम है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग हैं तो अलग अलग खाने वाले हैं, तो यहाँ पे एक ही मेस बनाया गया है और उसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। तो अगर आप नॉन वेज खाते होंगे तभी आप इसमें जाना, वरना मत जाना, क्योंकि आपको अगर वेज खाने वाले आप हैं तो आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहर से खाते हो तो कोई बात नहीं, आप बाहर से अपना खा सकते हो, लेकिन जो मेस में खाना बनेगी आपको हॉस्टल में, वो आपको खाना होगा एटलीस्ट। तो आइए यहाँ पर पहली बात, दूसरी बात है कि एग्जाम सेंटर यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होगी। देखिए जो इसमें एग्जाम करवाया जाएगा वो आपको UPSC बेसिस पे ही करवाया जाएगा, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो IAS सिविल सर्विस एग्जाम जो होती है उसी बेसिस पे आपको एग्जाम करवाया जाएगा और इसमें जितने सारे जो कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको दिया जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पे जो सेंटर बनाया गया पूरा ऑल ओवर इंडिया में, वो सेंटर आपको 6 सेंटर बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे जो आपको एग्जाम जो होंगे वो अप्रैल मई में आपको एग्जाम हो जाएंगे यहाँ पे। और देखिए पहला जो सेंटर है न्यू दिल्ली, मेन सेंटर इसका न्यू दिल्ली है। दूसरा आपको श्रीनगर जो आपको जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा। तो तीसरा जो है मल्लापुरम जो कि आप केरला पड़ जाएगा साउथ में। और चौथा यहाँ पे देख लीजिए कोलकाता में है। और पांचवा जो है लखनऊ UP और भोपाल मध्य प्रदेश यहाँ पे, यानी कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको 6 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे और यहीं से आपके इंटरव्यू भी होंगे। मेन आपको जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली में होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो टोटल जो सेंटर आपको बनाया गया ये 6 है, इसी सेंटर पर एग्जाम होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप लोग भर लेना, फॉर्म जब आएगी मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अब इसमें बात होती है कि इसमें कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। तो देखिए दोस्तों इसमें जो मांगा गया, जो आपको क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप बीटेक किए हुए इंजीनियरिंग से, ठीक है, अगर आप मेडिकल किए हुए हैं किसी भी मतलब ब्रांच से, मेडिकल आप किए हुए हैं, अकाउंटेंसी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, CA किए हुए हैं, लॉ किए हुए हैं, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जितने सारे जो आपको BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ मांगा रहा टेक्निकल ग्रेजुएट, मेडिसिन इंजीनियरिंग आपको चार्टर्ड अकाउंट, CA, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट, यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे लागू हो गया। अब आइए आपको बात करते हैं यहाँ पे एज की, एज कितनी आपको होनी चाहिए। तो मिनिमम जो आपका एज है वो आपको 19 साल, यानी कि 19 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो आपको है 27 साल। अगर इसके बीच में आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, वरना आप नहीं भर सकते हैं। अपना एज आप देख लीजिएगा आपका अकॉर्डिंग कैसा हो रहा है, और देख लीजिए जब आपको फॉर्म आएगी उस दिन आपको 1 सितंबर यानी कि जो भी आपका डेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरना है। उसके बाद से यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो फॉर्म भराया जाएगा वो आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, फॉर्म जो आपका होगा ऑनलाइन होगा, जो कि इसका 200 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 200 रुपीज़ आपको जमा करने होंगे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। आइए यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे होगा, इसमें एग्जाम जो पैटर्न्स होंगे किस तरह से होगा। तो जो आपका टोटल जो टेस्ट होगा आपका आपको यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट की होगी, ठीक है, 115, देख लीजिए यहाँ पे 1 घंटे 15 मिनट की सिर्फ आपको होगी यहाँ पे जो टेस्ट होगी।
और सिर्फ किस में होगी, इंग्लिश मीडियम ओनली। देख लीजिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू अपियर इन इंग्लिश मीडियम ओनली, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम अपियर कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी सी भी तो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास टैलेंट होनी चाहिए, आपको थोड़ा भी इंग्लिश सही है तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, लक आजमा सकते हैं। क्योंकि फ्री फ्री कोचिंग आपको मिल रहा है यहाँ पर, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का कोचिंग आपको दिया जाएगा पूरा 2 साल के लिए ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जो कि आपको सी सेट प्लस एप्टीट यहाँ पे जनरल स्टडीज, यानी जो यूपीएससी करवाती है सिविल सर्विसेज की, और यहाँ पे जो सी सेट होती है और जीएस होती है, सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड के 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद से ये आपको उसी बेसिस पे होगी, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स बेसिस पे आपको पूरा पैटर्न्स होगी, और 50 मार्क्स के आपको ऐसे हैं जो कि 150 आपको वर्ड्स में लिख लें होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 वर्ड में आपको लिखना है, इससे कम लिख सकते हैं। 50 मार्क्स के ये हो गए, 100 मार्क्स के आपको ये हो गए, फिर आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, यानी कि 100 15 15 यानी कि 200 टोटल मिला करके हो गए आपको टेस्ट हो गए, टोटल मिला करके प्रीलिम्स हो गए, एसए हो गए और इंटरव्यू मिला करके। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पे, तो अगर आप यहां से अगर आप ले लेते हैं, अगर 100 में से अगर आप 40 भी लाते हैं और एसए में से अगर आप यहां से ले लेते हैं 30 ले लेते हैं मानते हैं, तो आपको कितना हो गया, 70 हो गया। इंटरव्यू में से अगर 40 लेके आते हैं तो आपका हो जाएगा 110, यानी कि अगर आप 100 भी लाते हैं, 10 भी लाते हैं, 110 भी लाते हैं, तो आपका मेरिट यहाँ से बन जाएगा, सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस है। तो आप देख लीजिएगा, सबसे अधिक अगर फोकस करना होगा तो आप फोकस कीजिएगा, आपको ऐसे फोकस कीजिएगा और यहाँ फोकस कीजिएगा, इंटरव्यू तो आपका निकल जाएगा आराम से, इजीली नंबर मिल जाएंगे, ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए, नीचे में देख लीजिए, जो आपका जो एडमिट कार्ड जो दोस्तों आएगा, वो एडमिट कार्ड आपको मेल कर दिया जाएगा, आपका जो ईमेल होगा ये एडमिट कार्ड जो है आपको ईमेल पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर अपना फोटो एक चिपका लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद से नीचे में साइन अपना कर लीजिएगा, आपका यही एडमिट कार्ड हो जाएगा। आप इसको लेके जाइएगा अपने एग्जाम हॉल में, और एक साथ में आधार कार्ड का आपने कॉपी ले लीजिएगा, फोटो कॉपी आधार कार्ड का। नीचे में ये बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जब ज्वाइनिंग होगी, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स निकाल लेंगे, इंटरव्यू निकाल लेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपका जो यहाँ पे कोचिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा वो देखिए जून जुलाई में जो आपका क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, वो यहाँ पे जो आपको बुलाया जाएगा, मेन जो ऑफिस इसका है जकात फाउंडेशन का, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ये हेड ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पर लिखा हुआ हाउस 14 और यहाँ पे जंगपुरा ठीक है बी मथुरा रोड न्यू दिल्ली 14, यानी कि 14 आपको, यानी कि दिल्ली 14 में आपको जाना होगा, ये इसका हेड ऑफिस है, आपको इसी ऑफिस में आपको जाकर के पूरा एडमिशन लेना होगा, पूरा जितना प्रोसेस आपको होगा। उसके बाद आपको क्लासेस जो है दिल्ली में जितनी सारी, मुखर्जी नगर हो गया या आपको करोल बाग हो गया, जितनी सारी जो कोचिंग है जहाँ जहाँ पे IAS कोचिंग कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, जिसमें पढ़ना चाहते हैं उसमें आप नाम दे दीजिए, वो लोग पूरा फीस आपको A to Z फीस जमा करेंगे, वो लोग पढ़ाएंगे आपको देंगे। आइए यहाँ नीचे बात करते हैं कि आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो जितने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्क्स सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल मार्क्स सर्टिफिकेट जितने सारे जो है, यानी कि आपको 10th लेवल का, 10th का, 12th का, और आपने जो ग्रेजुएशन किया है, BTech किया है, जो भी किया हुआ आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लिए जाएंगे ओरिजिनल ठीक है, वो लोग रख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आइए बात करते हैं, फिर आपका जो ये आपको डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्नेबल है, जो कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, जो आप 2 साल के बाद जो यहाँ से आप निकलेंगे फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे। नीचे आइए बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जितनी सारी जो आपको यहाँ पे, हाँ 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो देने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ठीक है। उसके बाद से अपने आधार कार्ड अपना देना होगा, फोटो कॉपी उसका दे दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं हॉस्टल के, यानी कि जो आपको हॉस्टल में वहाँ पे रहने खाने पीने से आपको सारे फैसिलिटी कैसे मिलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई जकात फाउंडेशन, जितनी सारी जो इसमें होगा वो आपको यहाँ पे देखिए, पहली बात यहाँ पे है आपको जमा करने होंगे रेट ऑफ 200 per month, यानी कि आपको हर महीने 2000 रुपये आपको जमा करने होंगे, यानी कि 24 मंथ के लिए, यानी कि अगर बात करूं तो यानी कि 2 साल आपको यहां पर रखा जाएगा पूरा, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक, जब तक आप पन्ना निकल जाए 2 साल तक रहेंगे आप, तो उसमें आपको 200 रुपीज़ आपको देने होंगे खाने का पीने का, जो कि पूरे आपका हो गया 48,000 पूरे आपको 2 साल के। तो ये यहाँ पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, यहाँ पे भेज भी खाया जाता है, नॉन वेज भी होती है, तो मैक्सिमम सारे यहाँ पे भेज ही खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो ये आपको एटलीस्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा ये है, तो देख लीजिएगा आप लोग ये इतना आप एटलीस्ट आप दे सकते हैं। दिल्ली में अगर आपको रहना हुआ तो इतने सारे, दिल्ली इतना एक्सपेंसिव एरिया है, तो आप 2000 रुपये दे सकते हैं ठीक है। उसके बाद से आपको खुद से आपको जमा करना होगा, पैसा आपको देना होगा पर मंथ। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ लेडीज़ के लिए, गर्ल्स जितनी सारी जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए आपको देना होगा
4,000 रुपया, यानी कि लॉज का भी और फूडिंग, लॉजिंग फूडिंग दोनों का आपको देना होगा 4,000 रुपये, ठीक है। अगर उसको आपको जमा करना होगा इंस्टॉलमेंट पे, 2 इंस्टॉलमेंट पे आप जमा कर सकते हैं, जो कि आपको 2 साल के लिए जहाँ पे है 96,000 जहाँ पे है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 48 होगा, सेकेंड फिर 48 होगा, यानी टोटल मिला के 96,000 आपको देने होंगे दोस्तों। ये इसलिए यहाँ पे लिया जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जितनी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन दे दिए गए यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। आपको कोचिंग फ्री में दिया जाएगा, जितनी सारी जो मांगे मांगे कोचिंग है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वो फ्री में होगा, लेकिन आपका यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग जो है आपको जमा करने होंगे, आपको देने होंगे, ठीक है। उसके बाद से आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। देखिए यहाँ पे है मेन मुद्दा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना है। मानते हैं लोग गरीब है, वो कहाँ से दे पाएंगे इतने सारे पैसे, तो आप लोग बात कर लेना, कन्विंस कर लेना, सर हम लोग पुअर हैं, गरीब हैं, नहीं दे पाएंगे इतने सारे पैसे, पापा का इनकम सही नहीं है, ठीक है, घर में कोई नहीं है कमाने वाला, लेकिन हम लोग सर पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया वो 25,000 आपको सिक्योरिटी मनी है, आप 25,000 आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा एज ए टाइम ऑफ एडमिशन। पैसे नहीं है आप बात कर लेना, कम हो जाएंगे, 10,000 देना, 15,000 देना, लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी यहाँ पे लिया जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे इसलिए लिया जा रहा है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये आपका सिक्योरिटी मनी, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो कि दिल्ली में आकर के एडमिशन ले लेते हैं कोचिंग में, महंगी महंगी कोचिंग हो गया, बाजीराव हो गया, श्रीराम हो गया, ALS हो गया, GS मेंटर हो गया, विजन हो गया, चाणक्या हो गया, और 2.5 लाख 3 लाख फीस है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एडमिशन लेकर के निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, भाग गए, तो इसलिए ये लोग डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल ले लेते हैं और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर लेते हैं, ताकि बच्चा अगर कोई भागता भी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है ना ओरिजिनल सारे, और इसके पैसे जमे हैं मेरे पास, इसलिए बच्चा कोई चाह के भी नहीं भाग सकता है। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स आपको यहाँ पे रहने होंगे, 2 साल आपको कंटिन्यू आपको यहाँ पे रहना होगा, तभी जाके आपको लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और जो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है ये 25,000 आपको रिटर्न हो जाएंगे, रिफंडेबल है, ठीक है। तो इतनी सारी पूरी जानकारी आपको मैंने दे दिया, इसमें कौन से लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट कब होने वाली है। तो दोस्तों अब लास्ट में आपको ये बताना है कि लास्ट में आपको कमेंट ये करना है कि अब बताओ किस पे मैं टॉपिक बनाऊँ, जकात फाउंडेशन के बारे में, ताकि यानी कि सिलेबस के बारे में बनाऊँ, बुक के बारे में बनाऊँ, क्वेश्चन पेपर के बारे में बनाऊँ, या सक्सेस लिस्ट के बारे में बनाऊँ, किस टॉपिक की मैं फिर से वीडियो बनाऊं ताकि आपको जानकारी मिल सके। जिसकी अधिक मेजोरिटी होगी मैं उसी वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करना जरूर, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों के लिए जो लोग मतलब पढ़ना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है यही है कि जितने सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, दम तोड़ देते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट कम से कम शेयर करना, उनको मालूम हो सके, जागरूक कर सको, अवेयर करो उन्हों, ताकि वो लोग भी अपने सिविल सर्विस में आकर के योगदान दे सके। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।